जैसे मुंबई वालों की जान बचती है पानीपुरी, भेलपुरी और बाकी सारी चीज़ों में, वैसे नासिक वाले लोग इस टोकरी चाट को खाने के लिए हमेशा आ जाते हैं और पूरा दिन यहाँ पे क्राउड बढ़ी रहती है। तो चलिए आज बॉम्बे फूडी डे आपको टोकरी चाट बताएगा बेसिकली है क्या और कैसा है। तो ये तो घर से बन के लाता है ना? नहीं, घर से नहीं, हम ही बनाते हैं। आलू का बनता है? ये आलू का बनता है, आलू का है। अच्छा, और ये ऐसा 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 शेप क्यों आता है? ये अपनी दुकान की छलनी होती है ना, अपना आलू का रहता है, ये छोले का मसाला है। आलू का और छोले का मसाला मिक्स, तो ये देख लो आलू का छोले का मसाला मिक्स डाला उसमें, और अब ये दूसरे में भी आलू डालेंगे, सब में भरते रहेंगे। तो फिर ये चटनी आ गया, बन गया इधर। ये अपना पुदीना का चटनी, पुदीना का चटनी है। ये लहसुन, लहसुन का चटनी। और ये अपना इमली का चटनी। अब इसमें और क्या क्या डालने वाले हो? इसमें इमली का चटनी है, अब आएगा इसमें दही। दही तो नासिक वालों को काफी पसंद है, बहुत ज्यादा। सबसे बोले तो टोकरी चाट हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा टोकरी चाट। तो इसको खाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? काफी दूर दूर से आते हैं। तो आप ये कितने साल से बना रहे हो? यहाँ मुझे करीब 2015 से हो गया। तो ये अपनी टोकरी चाट देख लो, अपने हिसाब से ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसमें दही डाल दिया, अभी तक नहीं रेडी हुई है। इसमें चाट मसाला सारा डालने वाले हो, देखो इसमें चाट मसाला और ये लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, सेव, टोकरी चाट तैयार हो गया। तो देख लो हमारा टोकरी चाट तैयार हो गया, हम भी टेस्ट करके देखते हैं बेसिकली है कैसा ये। रेडी? तो आप लोग देख सकते हो मेरा हाथ में आ चुका है नासिक का सबसे फेमस है टोकरी चाट। ये देख लो पूरा टोकरी के शेप में है, बाउल शेप भी देख ले सकते हो आप लोग। और ये इसमें कितना सारा दही डाला, कितना सारा ये डाला मसाला, चटनी, इनकी चटनी भी पुदीना वाली। अपन टेस्ट करके देखते हैं बेसिकली है कैसा ये। अभी मैं टेस्ट करूँगा ना, तो स्टार्टिंग में देखो सिर्फ मेरे को आलू और वो टेस्ट आने वाला है, बट इसका जो लास्ट का स्वाद है ना, जो आप लास्ट का खाएंगे ना पूरा, जो आपको ये जो टोकरी है ना, इसका क्रिस्पीनेस टेस्ट समझ में आएगा। अब जैसे कि मैं ना इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, देखो ये देख लो आधा। इसमें कुछ स्वाद है तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप नासिक आ रहे हो तो आप लोग भी बगा स्वीट्स पे आके ये ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, फॉलो भी करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, वेलकम, वेल आई टाटा, सी यू।